जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम गीता ज्ञान चर्चा में गीता अध्याय 10 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में और अधिक गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे महाबाहु अर्जुन, चूंकि तुम मेरे बहुत प्रिय शिष्य हो, सखा हो, इसलिए तुम्हारे लाभ के लिए मैं एक ऐसा ज्ञान तुम्हें बताऊंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए हुए सभी ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। नहीं तो देवतागण मेरी उत्पत्ति के रहस्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महर्षियों का कारण हूं, अर्थात उनका उत्पत्ति करता हूं, उद्गम स्थल हूं। वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, दृष्टि, तप, दान, यश और अपयश, जीवों के ये समस्त गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए। सप्तऋषिगण तथा उससे पूर्व चार अन्य महर्षि एवं मनु सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे ही अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग से पूर्णतया आश्वस्त हैं, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न हुई है। जो बुद्धिमान हैं, वो ये भलीभांति जानते हैं और वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं और उनका हृदय पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर रहता है। हे अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्तों के जो विचार हैं वो मुझ में ही समाये हुए हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद की अनुभूति करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मुझ में एकाकार हो जाते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानमय अंधकार को दूर करता हूँ। यह सुनने के बाद अर्जुन ने कहा कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष हैं, अजन्मा एवं महान हैं। नारद, आसित, देवल और व्यास जैसे जो ऋषि हैं, वो इस सत्य को पुष्टि करते हैं, बताते हैं, और अब आप स्वयं यही बात मुझसे कह रहे हैं। हे प्रभु, आपने जो कुछ मुझसे कहा, मैं उसे पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण और न ही असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, सबके उद्गम, समस्त प्राणियों के स्वामी, देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक उन ऐश्वर्यों के बारे में बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं? मैं आपको कैसे जानूं? हे प्रभु, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे प्रभु, आप विस्तार से अपने ऐश्वर्य एवं योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर तृप्त नहीं हो पा रहा हूं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके बारे में सुनता ही रहूं, क्योंकि जितना ही मैं अधिक
आपके बारे में सुनता हूँ उतना ही मधुर मुझे लगता है और आपके शब्द अमृत को मैं बार बार चखना चाहता हूँ। तब भगवान कहने लगे, हाँ अब मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों के वर्णन करूंगा। हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ। मैं देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। हे अर्जुन, मुझसे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहिती मुझे बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों का कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों का समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय मैं ही हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ तथा सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़े में मैं उच्चेश्वरवा हूँ, अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ, गजराजों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी, ये मैं ही हूँ। अनेक पणों में जो नाग हैं उनमें अनंत हूँ, जलचरों में वरुण देव मैं ही हूँ, पितरों में अयरमा हूँ और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, समासों में द्वंद समास हूँ और शाश्वत काल भी मैं ही हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु भी हूँ। मैं आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। मैं सामवेदों के गीतों में ब्रह्मतास्म हूँ, छंदों में गायत्री, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाला वसंत ऋतु मैं ही हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वृणी वंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशुना मैं ही हूँ। अराजकताओं का दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। जो विजय के आकांक्षी हैं मैं उनकी नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे अर्जुन, मेरी देवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कुछ कहा वह मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से ही उद्भूत है, यानी उत्पन्न हुई है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण किए हुए हूँ। तो इस प्रकार ये जो 10वां अध्याय है, ये भगवान के बारे में इतना कुछ ज्ञान हमें दे जाता है कि और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। और इसके बाद ही भगवान विष्णु, जो श्री कृष्ण हैं,
वो अपना विराट स्वरूप दिखाती हैं। और वो कौन से अध्याय में होगा? अगले अध्याय में, गीता के अध्याय 11 में, जो जल्दी ही आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।